हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ केशव पोयट एंड यू आर वाचिंग बियॉन्ड वर्ल्ड ऑफ फील्ड। मैं आज ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ हु आर स्टूडेंट बेसिकली और फ्रेशर, जो डिजिटल पेंटिंग सीखना चाहते हैं। एंड आई वांट टू टेल देम कि व्हाई पेन टैबलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, ये आपको क्यों चाहिए, ये हार्डवेयर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आई टेल यू अ स्टोरी। व्हेन आई वाज इन माय स्टडी पीरियड, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता था वहाँ पे डिजिटल पेंटिंग की सिर्फ एक क्लास दी गई थी। एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैंने उसके पहले ट्यूटोरियल्स देखना शुरू कर दिए थे जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल थे, बाहर के थे। तो आई वॉज बिट फैसिनेटिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक दिस पर्टिकुलर थिंग और वॉन्ट टू डिस्प्ले दिस पर्टिकुलर स्किल सेट इन टू माई पोर्टफोलियो एज वेल। तो मैं थोड़ा काफ़ी एक्साइटेड था। मैं गया इंस्टीट्यूट में एंड मेरी जो फैकल्टी थी उन्होंने मुझसे कहा कि आज हम डिजिटल पेंटिंग सीखेंगे। पहले तो मेरी सोच के थोड़ा सा मतलब सेट था कि हमें एक ही क्लास मिल रही है, लेकिन बाद में रीज़न पता चला कि एक क्लास क्यों मिल रही है। इसका रीज़न यही था कि फैकल्टी को खुद पेंटिंग नहीं आती थी बिकॉज ही वॉज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और ग्राफिक डिज़ाइनर एक इलस्ट्रेटर या डूडलर हो या डिजिटल आर्टिस्ट हो ये ज़रूरी नहीं। लेकिन जो कि हमारे कोर्स में वो चीज़ थी तो हमसे कहा गया कि हमें सिखाई जाएगी और उन्हें वो चीज़ आती नहीं थी, तो उन्होंने अपना तरीका अपनाया। उन्होंने हमसे कहा कि डिजिटल पेंटिंग कैन बी डन बाय पेन टूल एंड माउस। यस, पेन टूल और माउस से डिजिटल पेंटिंग की जा सकती है। एंड दोस्त, ये गलत था, नहीं की जा सकती। आई शो यू एन एग्जांपल, वेरी क्विक एग्जांपल। मैं इस कैनवस को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। एक तरफ है जो माउस का आउटपुट है और एक तरफ रहेगा पेन टैबलेट का आउटपुट, ठीक है। सो व्हेन एवर आई ड्रॉ समथिंग बाय अ माउस, अगर मैं एक लाइन भी ड्रॉ करूँगा माउस से तो उसमें प्रेशर सेंसिटिविटी नहीं होगी, इट विल फ्लो लाइक दिस। और जब आप ड्रॉ कर दें कोई चीज़ तो उसमें प्रेशर वर्क करना ज़रूरी है। ऑन दी अदर हैंड व्हेन आई ड्रॉ समथिंग बाय अ पेन टैबलेट तो वह प्रेशर सेंसिटिव वर्क करती है, जस्ट लाइक पेंसिल और पेन। एंड विच इज़ राइट, क्योंकि अनलाइक बिल्कुल पेंसिल की तरह हमें प्रेशर की ज़रूरत होती है कि अगर मैं हल्की हाथ से ड्रॉ करूँ तो हल्की लाइन आए, प्रेशर दे रहा हूँ तो डार्क लाइन आए, डार्क टू लाइट जाना तो वो पॉसिबल हो, लाइट टू डार्क जाना तो वो पॉसिबल हो। लेकिन वहीं मैं अगर माउस से कुछ ड्रॉ करूँगा तो आप डार्क जाओ या लाइट जाओ या लाइट टू डार्क जाओ या डार्क टू लाइट जाओ, वो कुछ नहीं करेगा, सब में एक ही प्रेशर शो करेगा, जो कि गलत है, जो कि आपकी स्किल में बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं देगा। मैं इसलिए भी ये चीज़ कह रहा हूँ बिकॉज वो जो फील आता है पेपर पे ड्रॉ करने का, तो वो फील आपको नहीं मिलेगा तो आप एक तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस में फंस जाओगे, दूसरा वो आउटपुट नहीं आ पाएगा। आप कुछ भी ड्रॉ करो यार, मतलब किसी भी चीज़ में ना पेन प्रेशर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लो, मैं यहाँ पे ऐसे आ गया कुछ, ये मैंने सोचा नहीं, ठीक है। पेन प्रेशर, इस प्रेशर सेंसिटिविटी सबसे एसेंशियल टूल है किसी भी ड्राइंग को करने के लिए ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो वन शुड बाय अ पेन टैबलेट, रेंज कुछ भी हो सकती है। यू कैन इवन स्टार्ट विद एन आई बॉल पेन टैबलेट जो कि शायद 3000 तक का आ जाएगा स्टार्टिंग रेंज में। तो गो अहेड एंड स्टार्ट डूइंग योर ओन स्टफ। सेकेंड, दीज आर टूल्स, पेन टैबलेट इज जस्ट अ टूल, फोटोशॉप इज जस्ट अ टूल टू मेक डिजिटल पेंटिंग और एनी काइंड ऑफ पेंटिंग। इवन इफ यू ड्रॉ समथिंग ऑन पेपर, द बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट इज ऑफ आइडिया। आइडिया यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ़ यू नोटिस, जब भी मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ या वीकेंड में कुछ भी अपलोड करता हूँ ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पर मैं एक बेसिक आइडिया के साथ आता हूँ जिससे आप लोग रिलेट कर सकें। मैं एम नॉट सेइंग कि वो हर बार सक्सेसफुल होता है, बट जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता मैं उस चीज़ को अपलोड नहीं करता।
इसलिए मेरे पास एक हफ्ता होता है एक आइडिया को क्रैक करने के लिए कि आज मैं कौन सी सिंपल चीज़ पोर्ट्रेट कर सकता हूँ ऑन माई कैनवस जिससे लोग रिलेट करेंगे। और फिर मैं वीकेंड पे एक डेढ़ घंटा देके उस चीज़ को ड्रॉ करता हूँ एंड अपलोड कर देता हूँ। एंड दैट्स हाउ यू पीपल लाइक इट एंड इंकरेज मी टू डू लॉट्स ऑफ अदर स्टफ एज वेल। तो यार यही चीज़ है, मैं बस यही कहूँगा कि पेन टैबलेट का होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ ऑल अबाउट पेन टैबलेट एज अ टूल एंड आइडिया इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी। सो जस्ट गो एट एक्सप्लोर योर वर्ल्ड, स्टार्ट थिंकिंग न्यू स्टफ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार अगर आपको कुछ अपलोड करना ही है, कुछ बना के दुनिया को दिखाना ही है, तो ज़रूरी नहीं है आपकी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही उस चीज़ को ड्रॉ करके लोगों को दिखाओ। पेपर पर ड्रॉ करो, टेक अ फोटो एंड जस्ट अपलोड इट ऑन इंस्टाग्राम। सिंपल पॉइंट इज आइडिया शुड सेल, वो बिकना चाहिए। बाकी टेक्निकल टर्म्स में हाँ, पेन टैबलेट बहुत ज़रूरी है। किसी की बातों में मत आओ। कोई भी फैकल्टी अगर आपसे ये कहती है कि माउस से भी सीखा जा सकता है, पेन टूल से भी सीखा जा सकता है, मास्किंग के थ्रू भी हो सकता है पॉसिबल, तो उस क्लास को या तो स्किप कर दो या उस इंस्टीट्यूट को चेंज कर दो। बिकॉज यू आर नॉट वेस्टिंग योर लैक्स ऑफ मनी टू बाय दिस शिट। थैंक यू वेरी मच।